आज की हमारी वीडियो में हम बात करेंगे कैलाश पर्वत के बारे में। आखिर क्यों कोई अभी तक कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया? ऐसा क्या है वहां पे कि कोई भी अभी तक कैलाश पर्वत के शिखर पर नहीं पहुंच पाता? ये सब अभी तक रहस्य ही है और आज हम इनके बारे में ही बात करेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी को पता ही है कि हिंदू धर्म में कैलाश मानसरोवर यात्रा की कितनी ज्यादा महत्ता है। ये माना जाता है कि कैलाश मानसरोवर पर भगवान शिव का निवास है, भगवान शिव वहां पे रहते हैं। इसके अलावा कैलाश पर्वत को बहुत ही ज्यादा अद्भुत पर्वत भी माना जाता है। और आपको बता दें कि अभी तक जितने भी श्रद्धालु कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए हैं, उन्हें कैलाश पर्वत के पैरों को छूकर ही वापस आना पड़ता है। और ये भी माना जाता है कि जिस भी श्रद्धालु को भगवान शिव के दर्शन हो जाते हैं, उसे मोक्ष का रास्ता मिल जाता है। और आपको एक चौंका देने वाली बात बता दें कि कैलाश पर्वत की जो ऊंचाई है वो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 2200 मीटर कम है। लेकिन इसके बावजूद भी कोई भी अभी तक कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है, जबकि माउंट एवरेस्ट पर अभी तक 5000 से ज्यादा लोग जा चुके हैं। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत और कैलाश के आसपास के क्षेत्र के बारे में रिसर्चें करी और उनका यही मानना था कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव है। उसके बाद एक पर्वतारोही कर्नल आरसी विल्सन ने कैलाश पर्वत पर पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन आपको बता दें कि उनकी ये कोशिश असफल हुई और उन्होंने वापस आकर बताया कि जैसे ही मुझे लगा मैं एक सीधे रास्ते से कैलाश पर्वत के शिखर पर जा सकता हूँ, तभी वहां पे भयानक बर्फबारी होने लगी जिसके वजह से रास्ता रुक गया और मुझे वापस आना पड़ा, चढ़ाई असंभव हो गई। इसके अलावा और भी बहुत सारे पर्वतारोहियों ने कोशिश की थी कैलाश पर्वत पर चढ़ने की, लेकिन उनका दावा यही है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव है। इसके बाद एक रूस के पर्वतारोही ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करी थी, लेकिन उनकी भी कोशिश असफल रही थी। उन्होंने वापस आकर बताया था कि जब मैं पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गया तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था जिस पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ सका, लेकिन अचानक मुझे इतनी ज्यादा कमजोरी महसूस होने लगी और मन में ये ख्याल आने लगे कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद मैं जैसे जैसे नीचे आता गया मेरा मन हल्का होता गया। आपको ये बता दें कि कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश लगभग 19 साल पहले 2001 में की गई थी। उसके बाद कैलाश पर्वत पर किसी ने भी चढ़ने की कोशिश नहीं की और दुनिया भर के लोगों का ये कहना है कि कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थान है, इसके लिए उसकी चढ़ाई पर कैलाश पर्वत की चढ़ाई को बिल्कुल मना कर देना चाहिए, पूरी रोक लगा देनी चाहिए। और आपको एक नॉलेज की बात बता दें कि कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र बिंदु माना जाता है। कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र बिंदु मानने की कई वजह है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत में पृथ्वी का भौगोलिक केंद्र है, दूसरा यहाँ आसमान और धरती का मिलन होता है, तीसरा चारों दिशाओं का केंद्र बिंदु है और चौथा ईश्वर और उसकी बनाई सृष्टि के बीच संवाद का केंद्र भी
कैलाश पर्वत ही है। और ये भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत की बर्फ पिघलती है तो पूरे क्षेत्र में डमरू की आवाज सुनाई देती है। और ये भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर साक्षात शिव मौजूद हैं। कैलाश के दक्षिण में सूर्य जैसी संरचना वाला ब्रह्मताल है, जिसके दर्शन करने दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। वहीं इससे 1 मीटर की दूरी पर एक राक्षस ताल है, जहां पर कोई भी नहीं जाता। आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।